रंगों के त्यौहार होली पर 4 दिन की सरकारी छुट्टियां मिलेंगी। राजधानी भोपाल में रंग पंचमी पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे में धुलेंडी से रंग पंचमी के बीच 4 दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। भोपाल में रंग पंचमी 22 मार्च को स्थानीय अवकाश रहेगा। इससे पहले 18 मार्च को धुलेंडी, 19 मार्च को शनिवार और 20 मार्च को रविवार होने से छुट्टी रहेगी। 5 दिन में सिर्फ एक दिन 21 मार्च सोमवार को सरकारी ऑफिस खुलेंगे। मध्य प्रदेश में बुधवार से शुरू होने वाला 12 से 14 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन टल गया है। अब 23 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं भोपाल CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि आगामी होली, रंग पंचमी और स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण फिलहाल टाल दिया गया है। 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाना था। मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे। आयोग ने वोटर लिस्ट बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। शेड्यूल जारी किया है। वोटर लिस्ट नए परिसीमन के आधार पर तैयार होगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल मंगलवार को दमोह पहुंचे। पटेल भोपाल से हेलीकॉप्टर से सीधे कुंडलपुर आए। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनका काफिला सीधे कुंडलपुर मंदिर पहुंचा। मंदिर ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बड़े बाबा के दर्शन और पूजा की। भोपाल के गुंगा इलाके में नर्सिंग छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर रेप का मामला सामने आया है। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे शादी का वादा किया था। युवती जिस गांव की रहने वाली है, उस गांव में आरोपी की मौसी रहती है। वह मौसी से मिलने आता जाता था। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई। बाद में दोस्ती प्यार में बदल गई। प्रदेश के खंडवा जिले के किसान ने 22 साल तक चली जमीन की कानूनी जंग जीत ली। इसके बाद अब उसे सरकारी संपत्ति कुर्क कर 16 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। मामला हरसूद का है। इंदिरा सागर डैम के डूब क्षेत्र में उसकी 21 एकड़ जमीन आ गई थी। मुआवजा पाने के लिए उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हर्निया का सफल ऑपरेशन हुआ। दिग्विजय अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उन्हें डॉक्टर्स ने 2 दिन के लिए पूर्ण रूप से आराम करने के लिए कहा है। वे 2 दिन बाद संसद की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।